आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सच का पहरेदार। रामलीला मैदान के सभागार में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी रंजना गुरु ने जन समस्याओं को सुनकर मौके पे उनका समाधान भी किया। रामलीला मैदान के सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर रंजना राजगुरु की अध्यक्षता में आयोजित तहसील दिवस में पहुंचे सैकड़ों फरियादियों ने अपनी विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याएं रखी। अधिकतर समस्याएं राजस्व विभाग और खाद्य विभाग से संबंधित थी। इस दौरान भारी संख्या में लोगों ने अपनी परेशानियों को लिखित रूप से जिलाधिकारी को बताया। आज की तहसील दिवस जो काशीपुर में है, उसमें अभी तक 80 से अधिक शिकायतें आ गई हैं, जिसका निस्तारण हम लोग लगातार कर रहे हैं और अभी और भी समस्याएं लगातार यहां पे लोगों के द्वारा दर्ज कराई जा रही है। और इसमें हमारे सभी विभाग के अधिकारी मौजूद हैं और आधार कार्ड का और समाज कल्याण इत्यादि का यहाँ पर हमने स्टॉल भी लगा रखे हैं, ताकि लोगों को उसका भी लाभ मिल सके। और अगर हम बात करें तो उसमें मैक्सिमम जो शिकायतें आ रही हैं, वो अभी तक जो हम लोगों ने देखा है कि वो पूर्ति विभाग से, विद्युत से, पुलिस, राजस्व इत्यादि विभागों से शिकायतें यहाँ पे दर्ज हो रही हैं। और सभी अधिकारियों को कड़े निर्देश भी हैं कि शिकायतों का यथासंभव यहीं पे निस्तारण करेंगे। और कुछ शिकायतें ऐसी होती हैं जिनमें हम निरीक्षण करना आवश्यक होता है या कोई उसमें पॉलिसी मैटर्स होते हैं, तो उन पे 10 दिन का टाइम ले लें और उसका तत्काल से निराकरण करें। मैम, बात करें तो जो विभाग है, सारे विभाग के अधिकारी आए हुए हैं, अगर नहीं आए हुए तो क्या कोई कार्रवाई? नहीं, अभी ऐसा तो कोई संज्ञान में नहीं आया कि कोई यहाँ पे मौजूद नहीं है। यदि मौजूद नहीं होंगे तो उनका कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। जनता की समस्याओं को सुनने के बाद जिलाधिकारी ने वहां मौजूद विभिन्न विभागों के अधिकारियों को मौके पर ही बुलाकर उन्हें आदेशित किया और कुछ समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। इस दौरान कई विभागों से संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। काशीपुर से सुनील शर्मा, पब्लिक न्यूज़ उत्तर। आस्था है